फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज मैंने ये मोदक बनाए हैं बहुत ही फटाफट, और जो घर में सामान थे उन्हीं से बनाए, क्योंकि आज पप्पा का था विसर्जन। तो विसर्जन में मतलब मन में ऐसे ही आया कि कुछ मीठा घर पे बनाते हैं, तो मुझे मोदक से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। और ये ऐसा मतलब था कि फटाफट 10 मिनट में बन के रेडी हो गया, कि पप्पा को मैंने भोग लगा दिया उनके जाने से पहले। और तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ सूजी ली थी और सूजी को अच्छे से भून लिया था, देसी घी 2 चम्मच डाला, और मैं फटाफट बना रही थी, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में मिसिंग हो गया कि मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाई। और उसमें शक्कर डाला, और ये है ड्राई फ्रूट्स पाउडर, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्सर बन गया था। तो मैंने, जैसे आपने पहले जब वीडियो देखा उसमें मोदक में, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स को घिसा गया, तो उसमें बहुत टाइम लगा था, लेकिन ये मिक्सर में डाल के फटाफट ग्राइंड हो गया। और पूरा ड्राई फ्रूट्स को डाल के भी स्लो फ्लेम पे ही मैंने मतलब भूना है, बिल्कुल अच्छे से, जैसे उसमें मिक्स हो जाए तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। और उसके बाद दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे एब्जॉर्ब होता रहे, क्योंकि सूजी दूध को एब्जॉर्ब करता है। तो अच्छे से दूध को डाल के मिक्स करेंगे, और बिल्कुल सूखने तक उसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से दूध सूजी जो भी उसमें सामान डाला हुआ है सब मिक्स हो चुका है। और ये थोड़ा सा साइड में निकाल लिया था, और थोड़े में हल्दी डाला है, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मोल्ड में लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। मैं बता दूँ, मैंने देसी घी में ही मोदक बनाया है, पप्पा के लिए मोदक बन रहे थे तो इसलिए मैंने देसी घी में ही बनाया है। और अच्छे से प्रेस करेंगे पूरा, जो हमारा ये फीलिंग है उसको बहुत ही अच्छे से मतलब अंगूठे की सहायता से खूब अच्छे से सेट कर देंगे। और इसके बाद सेट करने के बाद नीचे से भी उसको बराबर से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे मोदक बनकर हो गए हैं तैयार। तो देख सकते हैं ये बप्पा को भोग लगाने के लिए मोदक बन गए हैं, और मोदक मतलब बहुत ही टेस्टी बना था, मैं आपको बता रही हूँ। तो जब भी आपका कभी भी मतलब जैसे घर में भोग लगाने का मन करता है किसी भगवान को कि क्या बनाऊँ, फटाफट समझ भी नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से सूजी के भी मोदक बना सकते हैं, और विश्वास करिए बहुत ही टेस्टी मोदक होते हैं। तो ज़रूर आप लोग मतलब एक बार बनाइए मोदक को, और इंजॉय करिए, पप्पा को भोग लगाइए, पप्पा को मोदक बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं पप्पा को जा रही थी मोदक का भोग लगाने, क्योंकि आज है पप्पा का विसर्जन, तो मतलब मन में बस ऐसा ही आया। और यहाँ पे हमारे क्यूट से छोटे से पप्पा को एक बार देखिए, और कमेंट बॉक्स में गणपति पप्पा मौर्य लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, पप्पा बहुत ही क्यूट लग रहे थे छोटे से, और आज जाएंगे तो घर सूना हो जाएगा। तो ये विदाई के समय मैंने, हम लोग सब ने मतलब पिक्स ली उनके साथ, पप्पा के साथ आखिरी पिक्स है, अगले बरस फिर से आएंगे पप्पा। और यहाँ विदाई के लिए अच्छा डाला उनके ऊपर, उनका आशीर्वाद लिया, और जो भी हमारे कष्ट है वो दूर करें।